सारे बच्चे हैं चूजों के। इन्हीं के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, दुआ भी करना कि जल्दी बड़े हो जाएं। तो ये पैक हो गया अली जान का लंच बॉक्स और इसमें है आलू के पराठे। चलो ये दाल हमारी हो गई है रेडी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल से आते ही मैंने दो जगह पे वाटरमेलन कट कर ली। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी पहले ये खा लो फिर कपड़े चेंज करना। तो देखें जी, एक सब्जी बनने के बाद दूसरी सब्जी कट। ये देखें इसके काम, ये भी अली की तरह ना चीज का थैला भर के आ गई। अमना क्या क्या लाई हो मुझे दिखाओ, इधर आओ, इधर तो आओ। तो ये देखें माशाल्लाह, ढोल बजाने वालों ने ड्रेस। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग बच्चों के नाश्ता करने से। और अभी बच्चे रेडी हो गए। आपकी बस हो गई है? नहीं, ख़त्म करो। चलो शाबाश, ख़त्म करो। पर मैं यहाँ पे अपना गर्म पानी पी रही हूँ, फिर गर्म पानी पी के मैं जाती हूँ वॉक पे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर दर्द से जो है ना सुकून है। हाँ, सुबह सुबह बैटरी लो हो गई है, काम देखो इसके। और इनका ये लंच पैक। दो मेहमान आए हैं, कौन कौन से? एक गेरी ने जो घोंसला बनाया था एक बार, एक वो उसमें बैठी हुई है मेरे पर, बड़े कबूतर ने। इसको देखो सुबह सुबह दिनका, यहाँ से पकड़ने वाली जगह से बस। हाँ, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। काशिफ मुझे छुड़ाओ, ये मुझे मार रहा है। छुड़ाओ मुझे। नहीं छुड़ाओगे मुझे मम्मा को? देखो इसके काम देखो जरा। गाइस ये है हमारा न्यू मुर्गा, न्यू ना, ये है न्यू और ये है पुराना। ये पुराना है हमारा। मुझे लगता है वो जल्दी बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसकी टांगे बड़ी हैं, इसकी टांगे छोटी हैं ना। देखना भी देखना, चढ़ी हुई है, इसको गुस्सा है भाई, गुस्सा। देखना देखना, मैं अब उसके दोस्त के पास जाऊंगा, क्या करूँगा। भागा भागो। और ये है हमारी न्यू मुर्गी चाइना, ये हमारी न्यू मुर्गी है। और जी इधर चेक करें, इधर चेक करें, चूजा दो चूजे से यही पी है, तीन चार 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 पाँच। अच्छा अच्छा, बोल अंदर का। ये देखिए इतने सारे बच्चे हैं चूजों के। इन्हीं के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, दुआ भी करना कि जल्दी बड़े हो जाएं। देखो कितने प्यारे, गोल्डन वाला वो है ना, प्योर गोल्डन। नहीं ये नहीं है, उधर उधर वो रहा, वो रहा, वो ये प्योर वाइट सबसे बड़ा भाई। और ये है कि मम्मा अभी गुस्सा कर रही है, हम चलते हैं। वरना को मैं गुस्सा दिखाता हूँ। नहीं वो नहीं, नहीं वो नहीं, गुस्सा YouTube फैमिली बोले सिर्फ गुस्सा दिखा, गुस्सा दिखा दो मारने के लिए। देखा देखें देखें, इसका गुस्सा चेक करें। छोड़ो छोड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोड़ो 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 छोड़ो, उठा लो उठा लो उठा लो। अंदर रखा। हाँ, और टाइम क्या हो रहा है अभी? 7:16। अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है 7:30 को, ऐसा ना।
तो अभी चलते हैं नीचे, फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये पैक हो गया अली जान का लंच बॉक्स और इसमें है आलू के पराठे। तो ये आ गए पराठे और ये ऊपर से इसका ढक्कन और ये आ गया केचप। ढक्कन इसका करा दीजिए मुझे तो, और ये इसका ढक्कन, ठीक है। चलो जी, लंच बॉक्स कंप्लीट। तो चलें जी, अभी मैं चलती हूँ वॉक पे और थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ। सुबह सुबह देखें सब बच्चे जो है ना स्कूल के लिए निकल रहे हैं, तो बहुत रौनक लगी हुई है। और आज से ना मैं फ़र्स्ट टाइम वॉक करूँगी, क्योंकि जिम जाती हूँ तो फिर फर्स्ट टाइम नहीं जा सकती। सेकंड टाइम बहुत थक जाती हूँ, घर का काम, फिर जिम जाना, फिर सेकंड टाइम ना नहीं होता है। तो और कल मुझे किसी ने कमेंट्स में भी कहा था कि आप फ़र्स्ट टाइम वॉक करें, तो मैंने कहा आज फ़र्स्ट टाइम वॉक करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता से ही शुरुआत होगी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने अपनी शुरुआत कर ली है, तो बस आप सब दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी गंदम पड़ी थी उसकी कटाई हो गई और ख़त्म भी हो गई। और वहाँ पे देखें ये जो है ना तूड़ी लेके जा रहे हैं अभी, ये जानवरों को डालने के लिए लोग लेंगे। तो वॉक से आने के बाद यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया नाश्ता। हस्बैंड के लिए बॉयल एग वाली करी, लस्सी, ये भी हस्बैंड की है मीठी लस्सी, और मैं सिर्फ लूँगी दो बॉयल एग बस। आज से मेरी रोटी भी बंद सुबह की। ये लो ये जर्दी हैं आपकी मुर्गियों के लिए, उनको डाल के आओ। तो चलें जी, आज हमारे घर बन गई है मसूर की दाल, जो कि है बड़ी ही कमाल और जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मेरी भी फेवरेट है, अली जान की भी फेवरेट है, मेरी तो मतलब मोस्ट फेवरेट है मसूर की दाल। पता नहीं मुझे क्यों इतनी टेस्टी लगती है, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे कोई भी दाल इतना ज़्यादा नहीं पसंद जितनी मसूर की दाल पसंद है। और मसाला बनाने का तरीका तो हमारा सेम ही है। इसमें मैंने पहले प्याज ब्राउन किए, फिर मैंने टमाटर डाले, फिर मैंने ग्रीन चिली डाली। तो जी ये रही हमारी दाल और इसको मैंने धो लिया अच्छे से। अब इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से पहले फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे पानी। तो आँच थोड़ी तेज़ कर लेते हैं। ये करके इसके बाद मुझे बर्तन भी धोने हैं। ये देखें इतना देर से मुझे बुला रहे हैं कि आके हमें धो लो धो लो। मैंने कहा चलो आती हूँ, थोड़ा सब्र करो। और आज मैंने जिम भी थोड़ा जल्दी जाना है, क्योंकि आज मिलाद भी है हमारे घर पे, और मिलाद के लिए भी वहाँ जाके सारे चटाइयाँ उटाइयाँ बिछाना, सफाई वफाई करना, वो सब भी करना है। तो आज जो है ना बहुत ज़्यादा काम है, बस इसीलिए जो है ना मैंने आज सुबह सुबह ही सालन बना लिया। मैंने कहा सुबह सुबह सालन बना लूँगी तो बाकी काम रह जाएगा दोपहर की रोटियों का, और वो रोटियां जो है ना मैं वहीं से बना के भेज दूँगी। तो चलें जी, अभी डालेंगे मेरी सबसे फेवरेट चीज़, और वो है हल्दी। और हल्दी जो है ना खाने में ज़रूर डालनी चाहिए, ये आपके ज़ख्मों के लिए अच्छी होती है, ज़ख्मों के लिए मरहम होती है। तो हल्दी ज़रूर डाला करें ताकि आपके ज़ख्म जो है ना टाइम टू टाइम भर जाए। चलो जी, सालन में पानी डाल के जब तक दाल गलेगी तब तक मैंने यहाँ पे आटे को थोड़ा सा मिक्स करके रख दिया, और तब तक मैं बर्तन धो लूँगी और ये सारा कचरा जो इतना मचा पड़ा है ना, ये सारा कचरा समेट लूँगी, और फिर जो है ना ये सारी सफाई करके तब तक मेरा सालन भी बन जाएगा। तो चलो जी, बर्तन वगैरह हमारे हो गए हैं वॉश, और अब रहती है ये जगह वॉश करने वाली। तो इसको जो है ना अच्छे से घिस घिस के भी साफ़ करें ना, लेकिन इतनी साफ़ नहीं होती क्योंकि ये मार्बल ना पुरानी हो चुकी है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने बेसन को भी घिस लिया है और इसको भी घिस लिया है, बस अभी कपड़ा मारना इधर। चलें जी, हो गई है सफाई डन, आटा भी गूंद लिया, अब इसको रख देती हूँ। और फिर सालन के बाद 12 बजे जब गैस आएगी सिर्फ रोटी बना लेंगे।
चलें जी, दाल हमारी हो गई है रेडी और इसका जो है ना थोड़ा सा बस पानी से खाएंगे। और इधर जो है ना लहसुन भी मैंने छील लिया और इसका तड़का रेडी करते हैं। तो अभी रेडी हो गया दाल का तड़का, बस अभी इसको डालेंगे और हमारी दाल हो जाएगी रेडी। तो देखें जी, एक सब्ज़ी बनने के बाद दूसरी सब्ज़ी कट के रख देंगे इसको, ताकि ये कल के लिए रेडी हो जाए। आपको पता है करेले जो है ना लोगों की ज़ुबान की तरह कड़वे होते हैं, जो कि बनते तो अच्छे हैं बेचारे, लेकिन कड़वे होते हैं, इसीलिए इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसीलिए कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं जो सही भी हम करें तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलती रहती है। अब देखें ये करेले कितने कड़वे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको शौक़ से खाते हैं, इसीलिए कड़वी बातें और कड़वे लहजे भी शौक़ से सुन के क्या कहते हैं आगे गुजर जाना चाहिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। तो चलें जी, कट हो गए हमारे करेले और जाते हैं इनको नमक लगा के रखते हैं, ताकि ये तीखे से थोड़े से मीठे हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, थक गए हो? बैटरी लो हो गई है, पानी की बोतल खाली हो गई है? उतारो बैग। ओए होए होए होए, चलो शाबाश मेरा बेटा, जल्दी यूनिफॉर्म चेंज करो। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल से आते ही मैंने दो जगह पे वाटरमेलन कट कर लिया है, एक दूंगी अली को और काशिफ जो है ना अभी स्कूल से आया नहीं है, काशिफ आ जाए एक उसको देंगे और एक ही अली का। अली जान ये लो, जल्दी जल्दी खा लो, शाबाश, फिर आप ट्यूशन चले जाओगे। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी पहले ये खा लो, फिर कपड़े चेंज करना, फिर ट्यूशन चले जाना। मैंने उधर जाना है, दूसरे घर जाना है, आज मिलाद है ना, तो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा आप लोग आ जाओ, कपड़े चेंज कर लो, फिर मैं जाऊँ। तो चलें जी, यहाँ पे जो है ना हमारा खाना वाना पैक हो गया, ये दुकान का और ये उधर ले जाना है। खोलो इसको, चलो इसको बंद करो और इसको भी गाड़ी में रखो। चलें जी, ये हो गया रेडी, बस बुरका पहनते हैं अभी। आधे घंटे से यार मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, पता नहीं आज बच्चों की मम्मा ने जाना भी है या नहीं। बच्चे भी चले गए, यहाँ से पीछे कोई गाड़ी आ गई ना तो बड़ा मसला बन जाना है मेरे लिए। रक्षे भी इतना रो रो के गुजर रहे हैं, बोल रहे हैं बाजी ने पता नहीं क्यों रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। और आज हमने जलेबियाँ ली हैं, तो आज हम जलेबियाँ तकसीम करेंगे। लो जी आ गई पीछे से गाड़ी, शुक्र है कि चली गई, इतना रास्ता मैंने छोड़ रखा है। अभी जाती हूँ और पूछ के आती हूँ कि क्यों नहीं आ रही है। तो चलें जी, यहाँ पे जगह वगैरह बना ली है और एक आंटी आई है सिर्फ, अभी दो चार आंटियाँ और इकट्ठी होंगी तो मिलाद पढ़ेंगे। पता नहीं कोई आता भी है या नहीं, हालांकि सबको कहा था कि अम्मी नहीं होंगी तो हम आएंगे, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे सब, और टाइम भी हो गया अभी पूरा। और आज औरतें जो है ना बहुत कम आई हैं, बस हम चार पांच औरतें ही पढ़ रही हैं, बस अल्लाह जो है ना कबूल करे। शफ़ा तुझे जमाले ही, हसना जमी ही, हसना जमी ही, सल्लू अलैहि व आलिही, करम के हैं फैसले।
बड़े नसीब की बात है। देखे इसके काम, ये भी अली की तरह ना चीज का थैला भर के आ गई। अमना क्या क्या लाई हो मुझे दिखाओ, इधर आओ, इधर तो आओ, मुझे तो दिखाओ क्या क्या लाई हो। अरे वाह, इसमें से मैं क्या लूँ आंटी, क्या ले इसमें से? ये बंटी है, निम्को है, ये क्या है डैड, क्या दाल, अच्छा दाल, मैंने कहा शायद डैड है, डी नहीं देखा गया, अच्छा केक है, वाह भाई वाह। ये लो आप ही को मुबारक हो, मैं नहीं लूँगी। चले जी मिलाद हो गया ख़त्म और अभी चलते हैं घर। और मैं अपना ड्रेस लेके आई थी लेकिन चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये देखिए माशाल्लाह ढोल बजाने वालों ने ड्रेसिंग कितनी खूबसूरत की हुई है और छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में रेडी किया हुआ है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे शादी है ना तो बारात आने वाली होगी, इंतज़ार में बैठे हुए हैं बेचारे। ये देखें बेचारे भाई अपने गन्नों की सेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सारे गन्ने इनके गिर गए, सफा सुथरे करके रखेंगे अभी। और अभी हम लोग हैं कहाँ पे, मॉडल टाउन में। ये है हमारा छोटे से शहर का बड़ा सा मॉडल टाउन। यहाँ पे आपको हर ब्रांड मिलेगा और यहाँ पे आपको लड़कियाँ, लेडीज़, आंटीज़ बहुत मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आता है कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स या ना यहीं पे हैं। बाकी अंदर जो छोटी बाज़ार्स होती हैं वहाँ पे तो आजकल की कुड़ियों ने जाना नहीं है। इसको देखें कैसे भाई को चिपक के बैठी है साइकिल पर, इतने अच्छे होते हैं ना ये दिन जब भाई बहन इतना क्लोज होते हैं, बाद में बड़े होने के बाद बड़े रोले, बड़े रफड़े, बड़े झगड़े, बस फिर ख़त्म ये दिन। बचपन के साथ ही ये दिन ख़त्म हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं इन दिनों का। ओ पाई हट जा पाई, मैं इत्थे गड्डी खड़ी करनी आ। तो भाई अली जान की एक बुक रहती है यहाँ से, वो लेंगे, उनके टीचर की आई है मुझे कॉल के बुक लेके पहुँचाएँ, तो अभी हम यहाँ से लेंगे बुक। तो ये देखिए कितने प्यारे हैं, कितने के? तो चलें जी, मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था और वो अब जो है ना मेरा पहुँच गया है और इसकी करते हैं ओपनिंग। और मैंने जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ें मंगवाई हैं अपनी और आप सबको दिखाऊँगी, और आप सब भी बताइएगा कि ये चीज़ें जो है ना कैसी हैं और कैसे यूज़ करनी है। उन्होंने मुझे यूज़ का तरीका तो सारा बता दिया था लेकिन फिर भी जो है ना, ये देखें, ये इसमें एक बेल्ट है, ये है होम जिम, यानी जो लेडीज़ घर में रह के अपना वेट कम करना चाहती हैं, जो जिम नहीं जाना चाहती, ये उनके लिए है। और ये देखें ये सारे साथ में बेल्ट दिए हुए हैं, और ये साथ में जो है ना इनके पास, ये देखें ये पूरा जो है ना होम जिम का इनका एक कार्ड बना हुआ है, मेन्यू बना हुआ है पूरा, कि कौन सी चीज़ आपने कैसे यूज़ करनी है और कौन सी चीज़ स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कैसे करनी है, मतलब टोटल एक्सरसाइजेस का ना इसमें बताया हुआ है। ये देखें ये फुट की, आर्म की और पेट की और लेग्स की सारी इन्होंने जो है ना यहाँ पर एक्सरसाइज बताई हुई है। और बाकायदा जो है ना मैं इनका पेज भी आपको मेंशन कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, अगर आपने मंगवानी हो तो आप मंगवा सकते हैं वहाँ से। और इसका जो तरीका है ना वो भी बहुत आसान है, बहुत इजीली हम इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें और जब मैं दोबारा यूज़ करने लगूँगी फिर भी मैं आपको जो है ना एक बार बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें जो है ना कैसे यूज़ करनी है। अभी हम आ चुके हैं घर वापस और मुझे भूल गया था कल भी टैब को चार्ज लगाना, मैंने सोचा आज अली जान के टैब को चार्ज लगा के रख दूं, बेचारा शाम को मुश्किल से 10 मिनट देखता है, चलो वो तो उसको टाइम मिले। तो ये न्यू मुर्गी को जो है ना लेके आ गए, नहीं ये मेरे एक्सरसाइज करने के लिए है, ये मेरा झूला है, इससे मैं एक्सरसाइज करूँगी,
इसे ऐसे पीछे बैक पे लेके जाके फिर इसके साथ एक्सरसाइज करते हैं। यूं नहीं, आप उधर मुंह करो, उधर मुंह करो, हाँ आप बाजू ऊपर करो, ये बाजू में फंसाओ जैसे झूला फंसाते हैं। हाँ अब ऐसे नीचे हो, नीचे हो, नीचे हो, ये आपको कुछ भी नहीं होने देगा। हाँ उठो, अभी झट से उठ गए ना, ये झट से उठा देता है। हाँ इस पे ज्यादा जोर नहीं लगता ना उठने में, आपकी एक्सरसाइज तोड़ नहीं देना इसको, चेक करते करते इसके काम देखो, बैठ गया छलांगे लगाने, झूला खाना नहीं, ये मेरा एक्सरसाइज का है, तोड़ना नहीं, मेहरबानी करो छोड़ो इसको। वही वो देखो झूला खा रहे, इसके काम देखो, झूला नहीं खाना, चलो छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई। हेलो इधर देख, इसको चुटकी से डर लगता है क्या? नहीं हाँ, सीधी गर्दन हो ना इनकी, चुटकी मारो गर्दन एक ही जगह में खड़ी, इससे हैंड की एक्सरसाइज होती है, करते रहो। नहीं हैंड खींचते हैं वो, और एक्सरसाइज है। एक मिनट यू रोशनी करना मामा। हाँ नहीं कर रही मेरी चुटकी, अरे इसको कुछ नहीं हुआ चुटकी बजाने से। तो कैसा रहा आज आपका पेपर? था मस्त था। हाँ हाँ करो, तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ, प्यार करते हैं ना। अभी आप सब खाना खा के सो जाओ, क्योंकि इधर देखो मैंने आपका टैब चार्ज नहीं लगाया था आज भी। अगर आज तो मैंने चार्ज लगाया था। अभी मैं तुम्हें सारी एक्सरसाइजेस करके दिखाऊं, तुम मेरे जिम मास्टर हो क्या? पहले बता, मैं नहीं बताती हूँ तुम्हें, क्या करोगे तुम? अरे इसे ऐसे नहीं, इसको भी उधर लगा के प्लास्टिक में लगा के ऐसे ऐसे खींचते हैं, ऐसे ऐसे हाथों की एक्सरसाइज होती है, यूं करते हैं ऐसे। हाँ ऐसे, हाँ वो वाली है। ये तुमने क्या किया हुआ है? अरे ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस हैं, इसके ऊपर छपी हुई है। कहाँ है वो पेपर? कहाँ है अलीजान पेपर? कहाँ है? दो इनको देख ले, इनको सुकून नहीं आएगा ऐसे। मुझे भी एक एक्सरसाइज, ये देखो ये वाला है, ये देखो एक मिनट मुझे दिखा, ये देखो एक ऐसे चेयर पे बैठ के करते हैं, ये देखो ये है हाथ खींचने वाला, ठीक है ये कमर का है, ये सारी है। हाँ ये सारी इस पे एक्सरसाइजेस बनी हुई है कि ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। ये वाली मम्मा मुझे आती है। हाँ भाई हम तुमको नहीं छोड़ेगा भाई, हम नहीं छोड़ेगा, हम आपसे ज्यादा जोर है भाई, नहीं छोड़ेगा भाई, हमसे ज्यादा जोर है भाई, नहीं छोड़ेगा इसको भाई, इसको पकड़ लेगा भाई, हमारे पास आपसे ज्यादा जोर होता है भाई, इसको नहीं छोड़ेगा भाई, हम अभी भी होते। मुझे लगता है ये तो ज़ॉम्बी बन गया, इसको पकड़ना पड़ेगा, ज़ॉम्बी बन गया मेरा भैया। ये कह रहा मेरे भैया, माँ का माँ, मेरा भाई है कहते छोड़ दो, माँ को काट रहा है, पता नहीं है मेरा भाई है तो माँ को काट ले, काट ले। ये देखो दोनों मिल गए एक जैसे, मैं छूट गई ना, तुम दोनों की बैट बजाऊंगी, नहीं बजाऊंगी, काट भी दिया। हाँ अब तुम मजाक, अब तुम साइड लो, मेरा भाई है, मेरा भाई है। काशिफ मैं रुक जा, तुमसे पूछती हूँ, रुक जा, भाग्य तुम्हारी बारी, तुम मार खाओगे उसके मार ही नहीं सकती, मार ही नहीं सकती, ये पकड़ ली कैसे लगा मेरा मजाक? पकड़ा गया, उड़े उड़े उड़े, रुक जा, उड़े 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 उड़े, इसको देखो मुझे मुझे मारने के लिए, पकड़ा गया।